अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड्स नॉलेज। ओसे सल्वाडोर अल्वारेंगा एक स्पेनिश माहीगीर और मुसव्वर है। नवंबर 2012 को ओसे सल्वाडोर अपने एक नौजवान साथी कोडोबा के साथ मछलियों के शिकार के लिए बहरे काहल से रवाना हुआ। ये दोनों माहीगीर समुन्द्र में 3 घंटे तक शिकार करने का मंसूबा बनाकर रवाना हुए थे, मगर सफर के आगाज पर चंद घंटों बाद ही तूफान का सामना हुआ जो 7 दिन तक इनकी कश्ती को धकेलता रहा और वो अपने रास्ते से भटक गए। जॉस सल्वाडोर की उम्र इस वक्त 35 साल थी जबकि इसका ना तजुर्बेकार साथी 22 साल का था। दोनों को तूफान का इल्म पहले से था मगर वो इससे भी सख्त मौसम का सामना कर चुके थे। जॉस के मुताबिक तूफान मसला नहीं था, दर हकीकत मुश्किल ये थी कि इंजन ने जवाब दे दिया था। समंदरी लहरें बहुत ज्यादा भिपरी हुई थी और एक मौके पर कोडोबा पानी में गिर गया था और सल्वाडोर ने इसकी जान सर के बाल खींचकर बचाई। इंजन के साथ साथ इन माहीगीरों को रेडियो और मछली पकड़ने के आलात से महरूमी का भी सामना हुआ। कश्ती पर कोई कवर नहीं था, बस एक आइस बॉक्स, एक मछली रखने वाला बड़ा संदूक और एक बाल्टी इनके पास थी। जब तूफान थम गया तो सल्वाडोर को मालूम था कि वो मेक्सिको से बहुत दूर जा चुके हैं। वो अपने सरों पर तैयारों को परवाज करते देख रहे थे मगर मदद का सिग्नल देने के लिए इनके पास कोई सामान मौजूद नहीं था। सल्वाडोर ने बताया कि शुरू में तो हमने भूख के बारे में सोचा नहीं था बल्कि प्यास ने हमें परेशान किया हुआ था। तूफान के बाद हम अपना यूरिन पीने पर मजबूर हो गए। एक माह बाद जाकर हमें कुछ बारिश का पानी मैसर आया। समुद्री परिंदे इनकी कश्ती के इर्द गिर्द जमा होने लगे और वो इसको समुन्द्र में आराम की एक गैर मुतवक्का जगह तस्वर करने लगे। जब सल्वाडोर ने पहली बार एक परिंदे को पकड़ा तो इसका साथी ये खौफ के आलम में सब देख रहा था क्योंकि किसी जिंदा मुर्गी की तरह सल्वाडोर ने इसके टुकड़े कर दिए थे। इन परिंदों के खून से इनको जिंदगी बचाने का कीमती सयाल भी मिला। सल्वाडोर के मुताबिक हम इनके गले काटकर खून ही पी लेते जिससे हालत बेहतर महसूस होने लगती। शदीद भूख के बायस वो इन कमजोर परिंदों का मैदा छोड़कर तमाम हिस्सा खा लेते थे। दर हकीकत समुन्द्र में मौजूद हर चीज इन्हें खुराक का जरिया महसूस होने लगी। समुन्द्री कछुए, छोटी शार्क मछलियाँ और समुन्द्री काई वगैरह, मगर ज्यादातर इनको खुराक से महरूम रहना पड़ता, जैसे 3 दिन में 1 मछली या 2 परिंदे इनके हाथ लगते। सल्वाडोर के मुताबिक कोडोबा कच्चे खाने से बीमार होने के बाद करीब 4 माह सफर में तमाम उम्मीदें खो बैठा और बिल आखिर खाने से इनकार करके भूख से मर गया। सल्वाडोर ने कहा कि इसने कोडोबा के मरने के बाद 4 दिन तक खुदकुशी पर गौर किया, लेकिन ये इनका मजबूत ईसाई अकीदा था जिसने बिलाखिर इसे ऐसा करने से रोक दिया। अल्वारेंगा का दावा है कि कोडोबा ने इसकी वफात के वक्त इसकी लाश ना खाने का वादा किया था, लिहाजा अल्वारेंगा ने कोडोबा की लाश कश्ती पर रखी और यहाँ तक के इससे बात की। 6 दिन के बाद अल्वारेंगा को इसकी नजाकत का एहसास हुआ और इसने लाश को ऊपर से फेंक दिया। अल्वारेंगा ने यह भी बताया कि समुन्द्र में होते हुए वो अक्सर अपनी पसंदीदा खानों की चीजों के साथ साथ अपने वालदैन के बारे में भी ख्वाब देखता। समुन्द्र में 438 दिन गुजारने के बाद इसे पहाड़ियां नजर आईं और इसे लगा कि वो बहुत करीब है, जिसके बाद इसने पानी में छलांग लगाई और इस तरफ तैरने लगा, जिसके बारे में बाद में इल्म हुआ कि वो मार्शल आइलैंड का हिस्सा थी। 37 साल की उम्र में खुले समुन्द्र में 14 माह एक छोटी कश्ती में गुजारने के बाद 30 जनवरी को वो एक छोटे जजीरे टाइल आइलैंड के साहिल पर पहुंच गया। 2 मकामी अफराद एमी और रसल ने इसे साहिल पर नंगा पाया और इसे फौरन ही मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, जिससे वो सेहतियाब होकर अपने घर रवाना हो गया। अल्वारेंगा की मौजूदाना 14 माह बाद जजीरे पर वापसी को पूरी दुनिया के मीडिया पर नशर किया गया। तारीख का वो पहला शख्स है जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक समंदर में खोई हुई एक छोटी सी कश्ती में जिंदा रहा। अल्वारेंगा की जिंदगी के इस मुश्किल तरीन दौर पर मबनी एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम 438 डेज है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।